दिन का वक्त था, अचानक से चीख पुकार मच गई। लोग भागते हुए नजर आ रहे थे। कुछ लोग कहते नजर आए कि अभी जिंदा है, जल्दी से निकलो। ये पूरा मामला है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगावा गांव का, जहां दो महिलाओं को जिंदा दफनाने की कोशिश की गई। मामला सुर्खियों में आते ही सोशल मीडिया पर महाभारत शुरू हो गई, जहां कांग्रेस इस मामले पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमलावर नजर आई, तो वहीं भाजपा के समर्थक सोशल मीडिया पर राज्य सरकार का बचाव भी करते नजर आए। पूरा विवाद सड़क बनाने को लेकर हुआ। गांव के दबंगों ने निजी जमीन पर सड़क बनाने का विरोध कर रही महिलाओं के ऊपर ही मोरंग भरा डंपर खाली कर दिया था। इस घटना में दोनों महिलाएं दब गई थी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों के समय रहते इन दोनों महिलाओं को मोरंग के नीचे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पता चला कि गांव के ही दो परिवारों के बीच करीब 20 साल से जमीनी विवाद चल रहा था। इसमें एक पक्ष के गोकर्ण प्रसाद पांडे और महेंद्र प्रसाद पांडे विवादित जमीन पर सड़क बनाना चाह रहे थे, जबकि दूसरे पक्ष के जीवेश कुमार पांडे और शिवेश कुमार पांडे के साथ इनकी पत्नियां ममता पांडे और आशा पांडे इसका विरोध कर रही थी। इनके विरोध को दरकिनार कर गोकर्ण प्रसाद पांडे ने शनिवार को सड़क बनाने का काम शुरू करा दिया था। जानकारी होने पर दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर आए और दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। इतने में मोरंग लेकर आए डंपर के पास खड़ी ममता पांडे और आशा पांडे के ऊपर आरोपियों ने डंपर खाली कर दिया। इससे दोनों महिलाएं मोरंग में दब गई थी। बड़ी मुश्किल से इनके ऊपर से मोरंग हटाकर बाहर निकाला गया था। घटना का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी के राज में अपराधियों के हौसले बुलंद है। हालांकि बवाल बढ़ते देख एक्शन में आई पुलिस ने तत्काल तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए डंपर चालक को अरेस्ट कर लिया है। बाकी दो आरोपी गोकर्ण पांडे और विभिन्न पांडे की तलाश शुरू कर दी है। हालात को देखते हुए रीवा जोन के DIG संकेत पांडे ने भी मौका मुआयना किया है। उन्होंने कहा ग्राम हिनौता में दो परिवारों का आपसी जमीन विवाद है। उन्होंने बताया कि इसमें एक पक्ष विवादित जमीन पर सड़क बना रहा था, वहीं दूसरा पक्ष विरोध कर रहा था। इसी दौरान मोरंग लेकर आए डंपर के ड्राइवर ने बिना देखे डंपर का पिछला गेट खोल दिया। इससे दोनों महिलाओं के ऊपर मोरंग गिर गया और दोनों उसमें दब गई थी। DIG साकेत पांडे के मुताबिक इस घटना में परिवार विवाद के अलावा और कोई एंगल नहीं है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद दोनों महिलाओं को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक महिला को प्राथमिक उपचार के बाद ही छुट्टी दे दी गई, जबकि दूसरी महिला को भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि घटना में फरार चल रहे दोनों आरोपियों की तलाश कराई जा रही है।